सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक एंड नॉन टेक स्टडी में। आज हम आपको जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन बताने जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो दैट इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टेक एंड नॉन टेक स्टडी को, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्टली, दैट व्हाट यानी विच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी अधिकतम तापमान कौन सा होता है? ये 4 डिग्री, ठीक है। 4 डिग्री क्यों रहता है? बिकॉज ये फिश वगैरह को सर्वाइव के लिए यानी कि जीवित रहने के लिए 4 डिग्री रहता है। इसके अपर देखना ये 0 डिग्री का यानी 0 डिग्री रहता है, सो दैट उसका वाटर फ्रीज रहता है एंड 4 डिग्री में वाटर फ्रीज नहीं होता, सो दैट इसका पानी घनत्व अधिकतम रहता है 4 डिग्री। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, यानी कि आवाज़ की जो यानी वेव क्या, जो आवाज़ की जो जोरदार ध्वनि की लहर किस पर निर्भर करती है? ये करती है एम्पलीट्यूड पर। किस पर? एम्पलीट्यूड पर। यार ना, कभी आप MP3 जब यूज़ करते हैं, सुनते हैं कभी मोबाइल में या किस में भी, तो एम्पलीट्यूड आप ऑन करना तो उस टाइप की लेयर आपको दिखाई देंगी। सो इस पर डिपेंड करता है साउंड का, यानी हाई एम्पलीट्यूड साउंड इस टाइप में रहेगा, हाई एम्पलीट्यूड, ठीक है, एंड लो एम्पलीट्यूड क्विट साउंड दिस इज इस टाइप में, ठीक है। आप देख सकते हैं इस टाइप में भी रहता है, इस टाइप में, सो दैट ही डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द रीज़न बिहाइंड डिक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हायर एल्टीट्यूड इज, मीन्स इसका है कि उच्च ऊंचाई पर पानी के उबलते बिंदु में कमी का कारण क्या है? ये है लो एटमोसफेयर प्रेशर। क्या है? लो एटमोसफेयर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करती? मूवमेंट ऑफ इनर्सिया यानी शरीर की जो जड़ता का क्षण, उस पर निर्भर नहीं करता। कुछ हिंदी के वर्ड जो आपको समझ में नहीं आएगा, दैट्स उसका इंग्लिश ईजी है, सो दैट इंग्लिश के भी एंड इसमें याद रखना, जो यानी कि बायोलॉजी हुआ इसके इंग्लिश के वर्ड एंड हिंदी के वर्ड सेम रहते हैं, और दैट्स ईजी, आप इंग्लिश के ही वर्ड यूज़ करो तो अच्छा है, बेटर फॉर कंपेयर टू हिंदी वर्ड। सो दैट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती? ये नहीं करती, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। बाय द वे सब पे डिपेंड करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशन होता है, एंड फॉर्म ऑफ मास एंड पॉइजन एंड पोजिशन ऑफ एयर ऑफ रोटेशन। ओके, सो दैट ये है आंसर बी। एंड नेक्स्ट है, विच मेथड कैन बी अप्लाई टू डिटरमाइन प्यूरीफाई ऑफ अ मेटल, यानी कि धातु की शुद्धता निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि लागू की जा सकती है? वो है आर्किमेडिस प्रिंसिपल, एंड मैं आपको बता देता हूँ, ये डायग्राम इसका नहीं है, इसका तो नॉर्मली आर्किमेडिस प्रिंसिपल पे लागू, आर्किमेडिस एक एक्चुअली साइंटिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये अप्लाइड करते हैं, ठीक है, प्यूरीफाई मेटल को। एंड बायंसी फोर्स क्या होता है? ओब्वियसली मैंने आपको थोड़ा एक्चुअली इसमें क्वेश्चन मैंने पुट नहीं कर पाया, बट बायंसी फोर्स होता है, सपोज अपन पानी में स्विम कर रहे हैं, दैट्स इसको अप बट फोर्स करना, यानी कि देखो अब नीचे से वेट, ये वेट ला रहा है, दैट्स लैक ऑफ वेट डाउनवर्ड कर रहा है, एंड दैट्स अपवर्ड इज इसकी बॉडी अपवर्ड हो रही है, ठीक है, यानी कि दैट्स ये यानी कि बायंस फोर्स कहते हैं इसे, यानी कि अपना जो भी वाटर में ये है कि लैग या हैंड को अपन डाउनवर्ड करते हैं, दैट्स अपवर्ड अपना पूरी बॉडी आती है, दैट्स बायंसी फोर्स कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या, स्ट्रिंग एक रस्सी टाइप में होती है, रस्सी टाइप में होती है, सॉरी एक्चुअली मैं आज कुछ कूल हो गया, सो दैट प्रॉब्लम है दैट। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग को हिलाने के कानून का अध्ययन करने के लिए यंत्र, बेसिकली यंत्र ये म्यूजिकली में यूज होता है, कहाँ होता है? म्यूजिकली में, ऐसे कि सपोज ये ABC, ठीक है, इसको पुल करते हैं, दैट्स ये स्ट्रिंग है, इसको पुल करते हैं, खींचते हैं, ये फ्री हैंड है, मैं इसको पढ़ के ही रीड करके बता, यहाँ से ये पुल करते हैं, W से ये लोड है, यहाँ पर पुल करते हैं,
खींचते हैं एंड यहाँ ये फ्री लोड है, यानी कि यहाँ से रोलर है सपोर्ट दैट फ्री लोड कह सकते हैं, यहाँ से इसको खींचते हैं ये स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से ये वाइब्रेट करता है, ये मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसमें यूज़ करता है सोनोमीटर, ओके। सो दैट एंड नेक्स्ट आता है कि ऑन वेज, ये वो नहीं है, ऑन वेज डिवाइस यूज टू मेजर द वेव लेंथ ऑफ एक्सरे, यानी कि एक्सरे के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है, वो है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं, उसका बेस कर देखो डायग्राम है, सपोज इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पेक्ट्रोमीटर का सबसे सरल एग्जांपल है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म होकर ले जाने पर वह 7 रंगों में बढ़ जाती है, यानी कि 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। सो दैट नेक्स्ट आते हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द एटमोस्फेयरिक ह्यूमिडिटी, याद रखना ह्यूमिडिटी को, ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी आया दैट्स हाइग्रोमीटर, यानी कि जहाँ यानी कि वायुमंडल नमी को नापने के लिए, यानी कि ह्यूमिडिटी को नापने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर स्टेप में होता है, हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द वाटर वेपर इन एटमोसफेयर प्रेशर, यानी कि वाटर वेपर क्या होती है, भाप कह सकते हैं, ह्यूमिडिटी कह सकते हैं, सो इसको यूज़ करते हैं हाइग्रोमीटर, दिस इज ये होता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट पे आते हैं ओशियन डेप्थ कैन बी मेजर बाय, यानी कि जो ओशियन डेप्थ यानी कि जो गहराई होती है महासागर की, यानी कि समुद्र की जो गहराई होती है उसको यूज़ करने, उसको मापने के लिए कौन सा मेजर इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो होता है फैथोमीटर। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मैंने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए एंड नेक्स्ट और पार्ट में ऐसे ही लाता रहूँगा। सो दैट्स अ फैथोमीटर, ओके, फैथोमीटर यूज़ करते हैं एंड नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन मैन, ऑटोसोम्स मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो ऑटोसोम्स के वैसे तो 22 पेयर रहते हैं एंड क्रोमोसोम्स के रहते हैं 46, मीन्स क्रोमोसोम्स में पार्ट ये बांटा गया है पार्ट, यानी कि ऑटोसोम्स टू पार्ट के होते हैं जिसमें 23 से डिस्ट्रीब्यूट किया है और बांटा गया है, ओके, एंड 23 और इस पूरे पेयर को, वन पेयर को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, जो कि मेन में पाया जाता है, ठीक है। इसमें 22 पेयर है बट 23 है, उसको भी करेक्ट आंसर कर सकते हैं। ऑटोसोम्स इज अ ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम मैंने बता दिया है, 46 रहते हैं इसके, ठीक है, बट ये 22 पेयर है, यानी कि 2 डिवाइड में 23 कहते हैं, वो होते हैं 23 यानी कि ऑटोसोम्स, सो दैट आंसर इज 22। एंड जिंजर यानी कि अदरक की जो स्टेम, यानी कि जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट, यानी कि ये जड़ नहीं है पर स्टेम है, क्यों, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ, देखो इट हैज़ नोट्स एंड इंटर नोट्स, इसमें नोट्स एंड इंटर नोट होती है इसलिए इसमें जड़ नहीं होती, सो दैट ये देखो आप नोट क्या होता है, देखो आप नोट्स इसमें एक्चुअली में ये नोड है, ठीक है, एंड इंटर नोड, नोट्स नहीं है, सॉरी नोड है, सो ये देखो इंटर नोड है एंड दैट्स अ नोड एंड ये एक्चुअली में ये स्टेम होती है नॉट अ रूट, सो दैट इसमें रूट नहीं होता। और ये क्वेश्चन भी पूछा था कि अदरक में स्टेम, यानी ऑप्शन देते हैं स्टेम रूट और भी है एंड दैट्स में क्या कह सकते हैं, तो दैट्स आप कह सकते हैं कि स्टेम, इसमें स्टेम रहती है यानी कि रूट नहीं रहता। नेक्स्ट है कैरेट, यानी कि कैरेट इज़ अ ऑरेंज इन कलर बिकॉज, यानी कि जो गाजर होती है उसमें ऑरेंज कलर की रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि इसमें कैरोटीन रहता है, क्या रहता है, कैरोटीन, यानी कि देखो आप पूरा पढ़ सकते हैं, ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट डाटा कैरोटीन इनटू विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए में ये कन्वर्ट करता है कैरेटीन, आपको पता ही कि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए रहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए रहता है, विटामिन ए ऑब्वियसली बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, देखो ए फॉर हेल्थी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स और इम्यून सिस्टम एंड गुड आई हेल्थ, और आई हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, सो दैट इसमें कैरेटीन रहता है। नेक्स्ट आता है कि टॉक्सिको, यानी कि टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, यानी टॉक्सिकोलॉजी एक तरह का आप याद रखना इसको, देखो सपोज कोई भी वर्ड ऐसा होता है जो कि आप इंग्लिश में समझ नहीं पाते, उसको हिंदी में भी आप इजीली समझ सकते हैं किससे रिलेटेड करता है, दैट्स हिंदी में आप देख सकते हैं विष, विष क्या होता है, एक तरह का जहर होता है यानी कि पॉइजन, तो ये किसके रिलेटेड रहती है, स्टडी रहता है पॉइजन का, ठीक है, मतलब आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाओगे दैट उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को, आपको हिंदी नहीं आती
सपोज इंग्लिश बेटर आती है, बट फिर भी उसका कुछ वर्ड ऐसा रहता है जो कि हिंदी में आप समझ सकते हैं, सो दैट इसका आंसर इज पॉइजन, ठीक है, हिंदी में पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ, ऑब्वियसली ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट से हमारे जो दांत होते हैं, हड्डी होते हैं, वो ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये होता है देखो ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, ओके, उनको कभी देखना आप क्रश करोगे या करोगे तो इस टाइप में चूर्ण बनेगा, देट से इसमें ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट रहता है। एंड नेक्स्ट है एंड कि एंगोरा वोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन आपको कभी मे बी पढ़ा हुआ है या रीड किया होगा, आई थिंक आई डोंट नो, बट ये क्वेश्चन आपको ईजिली इसको डायग्राम को देख के आप काफ़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। यानी कि एंगोरा वूल, एक वूल होती है, वूल में आप कह सकते हैं ऊन कह सकते हैं, और ये कपड़ों के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि जो विंटर के लिए यूज़ हो सकता है। वो कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं रैबिट, यानी कि जो रैबिट देखो आप खरगोश है नहीं, खरगोश के जो जो वूल ऊपर से यानी कि कह सकते हैं बाल कह सकते हैं हेयर कह सकते हैं, दैट्स इनकी वूल है ना, वूल इनको कलेक्ट करने के बाद जो भी यूज़ होता है उसमें यानी कि स्वेटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, दैट्स ये रैबिट से लिया जाता है। कहाँ से लिया था, ओनली एंगोरा वूल कहाँ से लिया था, रैबिट से। सॉरी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट वुमेन इजिली दैट द ऑफ वुमेन, निम्न में से कौन सी बीमारी को पुरुष की तुलना में महिला को आसानी से प्रभावित किया जाता है, वो है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ओके। देखते हैं देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड कहाँ रहता है, ऑब्वियसली ब्रेन में रहता है, कहाँ रहता है ब्रेन में, यानी कि दिमाग में, और ये एक पी यानी कि जो मटर की साइज होता है, मटर का साइज उसके बराबर रहता है, और ये कहाँ रहता है मैं आपको डायग्राम में ही मैंने पुट किया है, अच्छी तरह समझ सकते हैं, दिस इज ये, ठीक है, रेड में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये, और पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख पढ़ सकते हैं इसको भी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ द पी, ओके, ये रहता है अंदर। तो उसको भी आप आसानी से कभी नहीं भूल सकते। एंड व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एमजी एंड डीएल ऑफ ब्लड शुगर इन अ नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट, इसका नॉर्मली 72 एमजी और डीएल क्या होता है, ये नॉर्मली इसका यानी कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्या होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ओके, ये इसका फॉर्म होता है ब्लड शुगर का जो नॉर्मल यानी तेजी से सामान्य व्यक्ति में रक्त शर्करा में एमजी और डीएल की सीमा क्या है, उसकी 70 to 100 एमजी पर डीएल रहता है, ठीक है। एंड इन द आई यानी कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ यानी आंखों में जो रंग दृष्टि की उपस्थिति प्रभावित होता है वो किससे होता है, वो होता है कोन्स के, ठीक है, कोन्स से। मैं आपको बता देता हूँ कोन्स के कारण ही अपन कभी यार ना ब्लाइंडनेस, जो ब्लाइंडनेस अपने आँखों में रहता है, यानी कि ब्लाइंडनेस क्या है, ब्लाइंडनेस होता है यानी कि इसमें जो क्लियरली जो जिसका ब्राइटनेस होगा क्लियरली उसका कलर उसमें शो नहीं होगा, यानी कलर अपन क्लियर नहीं देख सकते इस टाइम में, सपोज जो कि नॉर्मल आई रहती है ना उसमें तो क्लियरली अपन इसको विजन कर सकते हैं, एंड जो ब्लाइंडनेस रहेगा उसमें इस टाइप के कलर दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं ये कौन है, रेड कौन, ग्रीन कौन, सो इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो कोन के कारण आप देख आंखों में जो रंग दृष्टि की उपस्थिति प्रभावित होता है वो है कोन्स के कारण, ठीक है। एंड नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ ऑब्वियसली वाटर, आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, यानी कि इसको डिहाइड्रेशन हो गया, यानी इसके क्यों हो गया डिहाइड्रेशन, मतलब वीकनेस कह सकते हैं बॉडी को, बॉडी टोटली वीकनेस हो जाना, और जो कि किसकी कमी कारण, वाटर की कमी कारण, तो आप इसको भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सा है, वो है ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग कह सकते हैं हिंदी में, ऑस्ट्रिच, ये दिस इज ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये अफ्रीका में रहता है एंड इसके सबसे बड़े एग रहते हैं, जो कि जितने भी लिविंग बर्ड हैं उसमें सबसे बड़ा एग इसका रहता है, और एग कितना रहता है 1.4 kg का रहता है, 1.4 kg का रहता है, और यानी कि 1.4 kg का मतलब ये ओवर 20 टाइम्स रहता है किसके, वेट ऑफ द चिकन जो एग होती है, यानी कि मुर्गी के एग होते हैं उसके 20 टाइम्स ये बड़ा रहता है, एंड बस इतना ही काफ़ी है। एंड नेक्स्ट है किडनी डिजीज इन मैन, यानी कि जो किडनी डिजीज बीमारी होती है मैन इज कॉज बाय द पॉल्यूटेंट, किसके वो होती है कैडमियम, कैडमियम एक तरह की लोहा आयरन टाइप में रहता है, सो इसके कारण प्रदूषित किसके कारण होता है कैडमियम का, इसका इतना डिटेल में नहीं है, सो दैट रिजर्व पाइन यानी कि रिजर्व पाइन इज यूज टू
क्या करता है ये, हाई जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। अब ये मैंने आपको, ये पेड़ है ना, ये ट्री प्लांट है ना, वो आपको हर जगह मिलेगा। यानी कि ये फ्लावर रहता है ना, छोटे छोटे पौधे रहते हैं इस टाइप में, उसको वो होता है रिजर्वाइन कह सकते हैं, ठीक है। रिजर्वाइन ये ट्री है, उसको किसके लिए यूज़ करते हैं, वो है रिड्यूस यूज हाई ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट है एड्स वायर हैज, ऑब्वियसली एड्स किसके कारण होता है, ये किसके मतलब वायरस के फैलने का कारण होता है, वो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। क्या है एड्स का फुल फॉर्म, क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है एक्वायर्ड इम्यून इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इज कि, और ये किसके कारण होता है, ये कॉज्ड बाय द वायरस। वायरस क्या है, एच आई वी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, एच आई वी एक वायरस है, ऑब्वियसली सबको पता है, जो कि इन्फेक्शन कॉज एड्स, यानी कि एड्स को उसको डेवलप करता है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, ये टाइफाइड किसके कारण होता है, बैक्टीरिया का। सो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे शेयर लाइक एंड कमेंट्स कर सकते हैं, एंड यार इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं इतना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।